मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नवगछिया, गोसाईगांव की सेवानिवृत्त शिक्षिका ने किया पुस्तक का प्रकाशन, परिवार के लोगों ने किया विमोचन। ग्रामीण स्तर की कहानियां, कविताएं, गजल, हास्य व्यंग्य संकलन सहित महिलाओं की रचनाओं को दी गई है प्राथमिकता। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाईगांव के मिथिला टोला में विभूति भूषण झा द्वारा संपादित पुस्तक अवली का विमोचन किया गया। संपादक वैंकर हैं और अभी गुवाहाटी में मुख्य प्रबंधक के पद पर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राकेश रमन झा दिल्ली ने किया, मंच संचालन अमरनाथ झा ने किया। समारोह में सुजाता पूर्व व्याख्याता विमेंस कॉलेज पटना ने कहा कि संपादक का यह प्रयास पूरे भारत में नए साहित्य की रचनाओं को समाहित कर एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाए सराहनीय है। रजनी रमन बीकानेर राजस्थान ने कहा कि इस प्रकार की पुस्तक अब निकलती कहाँ है। वहीं मौके पर अमरनाथ झा ने बताया कि पूरे भारत के 35 लोगों की रचनाओं को समाहित कर 216 पेज की पुस्तक निकालना बहुत ही नेक कार्य है। इसमें पुराने स्थापित लेखकों को भी शामिल करना नए लेखकों के लिए प्रेरणादायक। इस पुस्तक में कहानियां, कविताएं, गजल, हास्य व्यंग सभी कुछ एक कंप्लीट साहित्य की पैकेज है। मौके पर मधुमती ठाकुर, ममता झा, राकेश, कुमुद मिश्रा, सरिता झा, सरोज देवी, मिलन झा, पिंकू मिश्र सहित कई अनुपस्थित थे। नवगछिया में भारतीय जनता पार्टी का आभार समारोह सह जिला बैठक आज। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया द्वारा आभार समारोह सह जिला बैठक आज शुक्रवार को 11 बजे से श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में रखी गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारकिशोर प्रसाद, सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार विधानसभा एवं विशिष्ट अतिथि राधा मोहन शर्मा, सदस्य बिहार विधान परिषद, प्रदेश महामंत्री भाजपा शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में विधान परिषद डॉक्टर एन के यादव, पूर्व विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव सहित पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी मोर्चा के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सभी प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी सहित कई नेता उपस्थित होंगे। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739557। नौगछिया की सुप्रसिद्ध फर्नीचर दुकान माँ अम्बे फर्नीचर सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं तेतरी दुर्गा स्थान के सामने, जहां उपलब्ध है एक से बढ़कर एक पलंग, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित फर्नीचर के सभी सामान, साथ ही किस्तों पर भी फर्नीचर उपलब्ध हैं। संपर्क करें गौतम चौधरी, माँ अम्बे फर्नीचर, नौगछिया। नवगछिया, श्री शालिग्राम पूजन एवं संत साहित्य व्याख्यान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नवगछिया मंडल के लक्ष्मीपुर रोड स्थित शिव शक्ति योग पीठ आश्रम में योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री शालिग्राम पूजन एवं संत साहित्य व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्वामी जी ने प्रातःकालीन अपने निर्देशन में आचार्य द्वारा शालिग्राम पूजन किए। दिन भर स्वामी जी के दर्शन करने वाले भक्तों का आना जाना लगा रहा। पूजन के बाद आश्रम में कलाकारों द्वारा भजन का कार्यक्रम चलता रहा। संध्या काल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विश्वविद्यालय आचार्य संत साहित्य सुधीर साहित्यकार समालोचन कवि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र पंजियार द्वारा संत साहित्य का व्याख्यान किया गया। आंधी के बाद नौगछिया की बिजली आपूर्ति फिर चरमराई। 15 घंटे बाद शहर की बिजली बहाल तो 20 घंटे बाद ग्रामीण इलाकों में बिजली हुई बहाल। इन दिनों आंधी पानी में बिजली व्यवस्था की पोल परत दर परत उखड़ने लगी है।
इन दिनों आंधी पानी में बिजली व्यवस्था की पोल परत दर परत खुलने लगी है। नौगछिया में हर बार आंधी के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रही है और बिजली विभाग के पदाधिकारी पूरी तरह से आंधी पानी के बाद बेबस नजर आते हैं। वहीं बुधवार को देर शाम आंधी पानी के बाद ऐसा ही हुआ है। पूरे नौगछिया अनुमंडल की विद्युत आपूर्ति 15 घंटे तक ध्वस्त रही। नौगछिया शहर में 15 घंटे बाद लोगों को बिजली मिली तो नौगछिया के ग्रामीण इलाकों में लोगों को 20 घंटे बाद बिजली मिली। दूसरी तरफ बीहपुर के ग्रामीण इलाकों में करीब 10 गांव में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पिछले 36 घंटे से बिजली से वंचित गांव में बीहपुर प्रखंड का सोनवर्षा कठौतिया बबनगामा लतीपुर अमरपुर गौरीपुर नरकटिया आदि गाँव हैं। नवगछिया एसडीओ के निर्देश भी रेलवे अधिकारियों पर बेअसर। निर्देश के बाद भी नहीं हुई नाले की सफाई। सब्जी हाट के संदर्भ में भी नहीं हुआ कोई पहल। 6 जून को हुई बैठक में एसडीओ ने रेलवे अधिकारी को नाले का स्लैब बंद करने व सब्जी हाट के निर्धारित स्थल की मापी का दिया था निर्देश। एसडीओ के निर्देश के बाद भी नौगछिया रेलवे स्टेशन रोड के नाले की सफाई का कार्य नहीं किया गया। न ही स्टेशन रोड में अवैध रूप से लगने वाले सब्जी हाट को निर्धारित स्थान पर शिफ्ट करने की दिशा में भी कोई पहल की गई। स्टेशन रोड के नाले के स्लैब अभी भी खुला हुआ है और बारिश के कारण नाले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण स्टेशन रोड के दुकानदारों एवं नौगछिया बाजार में खरीदारी करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले के स्लैब के खुले रहने से राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन रोड में अवैध रूप से लगने वाली सब्जी हाट के कारण नौगछिया स्टेशन रोड में पूरी दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण हर दिन नौगछिया स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ने आने वाले कई यात्रियों की ट्रेनें छूट जाती है। स्टेशन रोड में जाम के कारण एम्बुलेंस व आवश्यक सेवा की गाड़ियां आए दिन जाम में फंसी रहती है। वहीं सहायक मंडल अभियंता ने कहा कि 2 दिन पहले ही निर्देश दिया गया था, वे इस मामले में जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर ट्रक चालकों के साथ लूटपाट, 2 अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया विक्रमशिला पहुंच पथ पर गुरुवार की देर रात अपराधियों द्वारा ट्रक चालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों द्वारा नवगछिया थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर कलबलिया धार के आगे पहुंच पथ पर खड़े ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की घटना के दौरान अपराधियों ने ट्रक चालकों के मोबाइल व नकदी की लूट की। घटना के दौरान ही चालकों द्वारा हल्ला करने पर स्थानीय लोग वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों एवं ट्रक चालकों ने मौके पर ही लूट की घटना को अंजाम दे रहे अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी वहां से भाग गए। अपराधियों में पकड़े जाने की भी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा नौगछिया पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर नौगछिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पकड़े गए अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों द्वारा 8 से 10 ट्रकों में ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों द्वारा ट्रक चालकों को अपना शिकार बनाने की फिराक में था। इसी दौरान ट्रक चालकों द्वारा हल्ला किया गया तो स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच गए। वहीं इस मामले में नौगछिया निवासी गुलशन कुमार एवं बेगूसराय के आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारायणपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटा, 5 हुए जख्मी। नारायणपुर प्रखंड के बीहपुर व नारायणपुर सीमा क्षेत्र के NH 31 ननकार ढाला के पास गुरुवार की दोपहर बाद लगभग 1:30 बजे बीहपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के पास तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी ने बताया कि ट्रैक्टर सोनवर्षा गंगा दियारा से फूस का घर बनाने वाला कास लाद कर बैकंठपुर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार से ट्रैक्टर पर ऊपर अधिक कास लदने के कारण अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के ढलान पर चढ़ने में तेज रफ्तार के कारण ट्रैक्टर असंतुलित होकर गड्ढे में पलट गया।
जिससे उस पर सवार दुधेला का चालक विनोद मेहता, मजदूर बागो मंडल, गौतम मंडल, चेलो मंडल ट्रैक्टर पलटने के बाद आसपास के लोगों के प्रयास ट्रैक्टर में दबे जख्मी चारों को बाहर निकाला गया। जख्मी बागो मंडल ने बताया कि ट्रैक्टर के नीचे दबने पर लोगों ने बाहर किया। टेम्पो पर बागो और चेलो मंडल को इलाज के लिए बीरपुर के निजी क्लिनिक इलाज के लिए भेजा गया, जबकि विनोद मंडल, गौतम मंडल, विनोद मेहता को चोट आई है। नौकछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा, वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। संपर्क करें नर्चर क्लासेस, क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नौकछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व केंद्र का निरीक्षण जरूर करें, ताकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान हो। संपर्क करें अमित कुमार, संचालक, नर्चर क्लासेस एवं क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नौगछिया। नौगछिया में नाबालिग बच्चों को पेड़ में बांधकर मारने के मामले में मामला दर्ज, आरोपित गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर पंचायत के गोढ़ियारी गांव में चोरी के आरोप में 3 नाबालिग बच्चों को लोगों की मुदगुई में आम के पेड़ में रस्से से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने के मामले में गोपालपुर पुलिस ने नौगछिया SP निधि रानी के निर्देश पर मामला दर्ज कर सभी नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर बिहार का गौरव, कौशल केमिस्ट्री क्लासेस 11वीं एवं 12वीं के लिए, केमिस्ट्री विषय के लिए नौगछिया का सुप्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट। 11वीं एवं 12वीं के लिए नौगछिया का एक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट, यहाँ अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में होती है पढ़ाई। इंस्टीट्यूट डेट ऑलवेज थिंक्स अबाउट योर गोल। संपर्क करें कौशल सर 82-98-59-20-36। नवगछिया, गगन की हैट्रिक विक्ट्री, गगन ने एम्स की प्रवेश परीक्षा में मारी बाजी। अखिल भारतीय 142वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम किया रोशन। नीट की परीक्षा में 359वां रैंक, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पांडिचेरी की प्रवेश परीक्षा में 112वीं रैंक लाने वाले नवगछिया के गगन हरनाथका ने एम्स की परीक्षा में अखिल भारतीय 142वां रैंक लाकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। गगन की हैट्रिक विक्ट्री से उसके परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। गगन के पिता श्याम सुंदर हरनाथका और माता अनु हरनाथका ने गगन की हैट्रिक विक्ट्री से खुश होकर नौगछिया में अपने परिजनों के बीच जमकर मिठाई बांटी। मालूम हो कि गगन ने 8वीं तक की पढ़ाई नौगछिया के ही स्कूल से की है, वहीं उसके आगे उसने पढ़ाई दिल्ली में की है। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739555। नौगछिया की सुप्रसिद्ध फर्नीचर दुकान माँ अम्बे फर्नीचर सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं तेतरी दुर्गा स्थान के सामने, जहां उपलब्ध है एक से बढ़कर एक पलंग, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित फर्नीचर के सभी सामान, साथ ही किस्तों पर भी फर्नीचर उपलब्ध हैं। संपर्क करें गौतम चौधरी, माँ अम्बे फर्नीचर, नौगछिया। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया। नौगछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा, वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। संपर्क करें नर्चर क्लासेस, क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नौगछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व केंद्र का निरीक्षण जरूर करें, ताकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान हो। संपर्क करें अमित कुमार, संचालक, नर्चर क्लासेस एवं क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नौगछिया।
उत्तर बिहार का गौरव कौशल केमिस्ट्री क्लासेस 11वीं एवं 12वीं के लिए केमिस्ट्री विषय के लिए नौगछिया का सुप्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट, 11वीं एवं 12वीं के लिए नौगछिया का एक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट, यहाँ अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में होती है पढ़ाई। इंस्टीट्यूट डेट ऑलवेज थिंक्स अबाउट योर गोल। संपर्क करें कौशल सर 8298-59-2036। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।